कल्याणपुर से अपहरण हुई महिला पहुंची थाने। 2011 में महिला का हुआ था अपहरण। अपहरण के समय महिला की उम्र थी 14 वर्ष। अपहरणकर्ता राजेश सिंह पड़ोस की कॉलोनी में रहता था किराए पर। राजेश सिंह ने बताया कि उसके पिता बेहोश होकर गिर पड़े हैं। रास्ते में राजेश ने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोशी की हालत में उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद उसका कई आरोपी करते रहे बलात्कार। राजेश ने पीड़िता को चंडीगढ़ में शांति दूत को 2.5 लाख रुपए में बेचा। 10 सालों में पीड़िता ने कई बार भागने का किया प्रयास। पीड़िता का आरोप नग्न कर बेलते से की जाती थी कटाई। घर पहुंची पीड़िता ने रो रो कर परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता पीड़िता को लेकर पहुंचे कल्याणपुर थाने। पीड़िता का आरोप पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़िता ने आला अधिकारियों से की फरियाद, जिसके बाद कल्याणपुर थाना आया एक्शन मूवी। पीड़िता को बुलाकर उसके बयान किए दर्ज। और यहाँ थाने किस लिए आई? थाने इसलिए आए, जब हम 14 साल के थे तो मौत बेहोश करके ले गए, हमारे भाई बहन पहुँच रहे थे। कहाँ रहती थी? 14 साल के थे, 12 साल। कहाँ रहती थी? मसवानपुर पक्का तालाब। कौन लोग ले गए थे आपको? राजेश। और लड़के मतलब? ये कहाँ रहते थे? राजेश, रिंकू, पिंकू, बिट्टू। कहाँ ले गए आपको? पहले ले गए विद्यापुर। कौन सी नाम? विद्यापुर ले गए। और राजेश अपने साले के घर ले गया था सुनील के, मन रखा ही एक रात तो मन से हटा के फिर दूसरी जगह लिया विद्यापुर। विद्यापुर 8 दिन बंद रहे हम। बंधक बना के रखा? हाँ, बंद रहे हम। फिर राजेश के, राजेश ने चंडीगढ़ फोन करा है बिट्टू के जोर। फिर बिट्टू, रिंकू, पिंकू आए मन। फिर शांति जोर, शांति देव के जोर फोन करा है कैसे तो फलाने जगह से लड़की आई है इतने इतने पैसा के। फिर शांति देव ने हमारे सामने तो पैसा देने चाहिए, इन्होंने 2.5 लाख दे हुए, 4-50 लाख दे हुए, अपने मुँह से बताते हैं। आपको बेचा? हाँ। किसने बेचा? राजेश, बिट्टू, रिंकू, पिंकू। इन लोगों ने किसको बेचा? हमें। शांति को? हमें, शांति देव के हाथ। फिर वहाँ पर आप कब तक रही हैं? माना हम चंडीगढ़ में 1 साल रहे। शांति देव का कितने दिन रही? शांति देव के साथ 1 साल रहे चंडीगढ़ में। फिर कहाँ रही? फिर उसके बाद हमें ले गए अपने ससुराल, अपने गांव। फिर मन रखा है, अब हमें मुकुम निकलने मौका मिला। क्या इस दौरान आपके बच्चे भी हैं क्या? हाँ जी, 3 बच्चे हैं हमारे। कभी आपने वहाँ कंप्लेन नहीं की? आप वहाँ निकल नहीं पाई वहाँ? लेकिन चंडीगढ़ में हमने करी थी। क्या हुआ फिर वहाँ पे? उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं की? ना। फिर क्या हुआ? उनके पैसा भर दिए हुए उन्होंने सर, पैसा भर दिए उन्होंने, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। पुलिस वाले ने चुपचाप शांति देव से बात बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कही उनसे, हमें तो हटा दिया था। फिर यहाँ आप कैसे आ गई? मैंने तो दवाई के बहाने निकले, हमने सीधे गाड़ी पकड़ी। अच्छा। हाँ। फिर यहाँ यहाँ पे क्या तहरीर दी है? यहाँ पे क्या सुनवाई आपकी हुई है? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? थाने आप कल्याणपुर आई हैं, यहाँ पे क्या आपकी सुनवाई हुई? अभी तो सर कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तो सिर्फ बयान ले रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जेल भेज बंद कर देंगे। कौन कह रहा है? वो सर कह रहा है। अंदर बताओ, इतनी जोर के लाए तो हम कैसे बता पाएंगे? आपके आपसे क्या बोले? मतलब झूठ पकड़ा गया, झूठ बोलेंगे, हड़कड़ाएंगी, मतलब तो आप उल्टी जेल चली जाए, हम क्यों सर उल्टे जेल जाएंगे। ये अंदर किसी ने आपसे बोला जो बयान ले आपके ले रहे? हाँ।